हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रॉम अंसारी आप सभी लोगों का अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुल प्रीत सिंह की फिल्म थैंक गॉड के डे नंबर वन के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, फाइनल ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, फाइनल शो काउंट एंड फाइनल एडवांस बुकिंग रिपोर्ट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? दिस दिवाली विल बी अ रियली सैड एंड अ बैड दिवाली फॉर द मेकर्स ऑफ थैंक गॉड। लेकिन गाइस, उनकी भी गलती नहीं है। जब आपके फिल्म का मेन लीड अपनी मेन फिल्म जो कि कल रिलीज होने वाली है उसको छोड़कर दृश्यम 2 के लिए एक छोटा सा बोनस दे रहा है, यानी कि पहले दिन की टिकट 25% डिस्काउंट पे बेच रहा है, वो फिल्म की प्रमोशंस को ज्यादा महत्व दे रहा है, देन भैया ऑडियंस भी आपकी जो फिल्म है थैंक गॉड उसको क्यों महत्व दे? ये सबसे बड़ा रॉन्ग मूव था कि दिवाली के दिन थैंक गॉड के लिए कोई ऑफर निकालना चाहिए था, लेकिन अजय देवगन को बस दृश्यम 2 प्यारी है। वो चाहते हैं कि दृश्यम 2 को किसी तरह भी साम दाम धन भेद करके ब्लॉकबस्टर बना दे, लेकिन उनको ये पता नहीं कि अब महामारी के बाद रीमेक्स का क्या हाल हो रहा है। एंड गाइस, जनता जनार्दन है, वो फैसला सुनाएगी जब वो फिल्म आएगी। लेकिन ऑल सर एंड डन, अब गाइस बात करते हैं थैंक गॉड की डिजास्ट्रस एडवांस बुकिंग। एटलीस्ट राम सेतु ने 2 करोड़ किया है, थैंक गॉड विद अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा यू नीड टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म्स। आपके लिए थैंक गॉड जैसी फिल्में नहीं बनी है। यू नीड टू डू एक्शन फिल्म्स, फिल्म्स में मास इज इन्वॉल्व, यू नीड टू डू दोस काइंड ऑफ फिल्म्स। थैंक गॉड इज नॉट योर कप ऑफ टी, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। अरे फिल्म देखे बिगर मैं आपसे कह रहा हूँ। एंड गाइस, अनफॉर्चुनेटली 2 सुपरस्टार्स यानी कि अजय देवगन एंड सुपरस्टार डायरेक्टर लाइक इंदु कुमार, फिर भी ऑडियंस नहीं आ रही। अब सब कुछ निर्भर है वॉक इन ऑडियंस पर। क्या एक फिल्म जिसकी एडवांस बुकिंग 1 करोड़ 30 लाख की हुई है वो कल 10 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है? दिवाली का दिन है, दिवाली ऐसा दिन है जहां पर ऑडियंस भर भर कर आती है। लेकिन यह एग्जाम्पल देखिए कौन सा नैरेटिव बनाया जा रहा है, हाउसफुल 4 का। जब हाउसफुल 4 आई थी ना, तब का मार्केट ही अलग था, तब जनता जो थी ना उनका माइंडसेट ही अलग था, उन जैसी फिल्मों को अप्रिसिएशन मिल जाता था। अब ये 2 साल में जो जनता होशियार हुई है वो एक अलग लेवल पर चली गई है। साउथ फिल्म्स आर नॉट पेनिट्रेटेड सो डीप इनटू आवर इंडियन मार्केट्स। वी हैड अ पुष्पा, ट्रिपल आर, KGF 2 स्मैशिंग इट इन, नाउ कंतारा। वो टाइम ये सब नहीं था, वो टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई, क्या देखेंगे दिवाली? तो हाउसफुल 4 भेजा घर पे रख के जाके पिक्चर देख कर आए। अभी ये होते हुए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ऑल सर एंड डन, भैया दिवाली का शुभ अवसर है, हम चाहते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर धन बरसे। तो लेट्स सी, थैंक गॉड से धन बरसेगा या आराम से धन बरसेगा, मैं तो जो भी फिल्म चलेगी उससे खुश होऊंगा। मेरे को बॉक्स ऑफिस पर पिक्चर चलना बस, सीधी 100 बात की 1 बात। बात करेंगे मुंबई की, थैंक गॉड 547 शोज, 11% ऑक्यूपेंसी। राम सेतु 693 शोज। दिल्ली NCR थैंक गॉड 664 शोज ओनली, राम सेतु 797। तो शो काउंट में तो राम सेतु ने थैंक गॉड को बहुत पीछे पेल दिया है, छोड़ दिया एकदम पीछे, डिस्पाइट अनिल थाने डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिल्म, यहाँ पर शोज नहीं लेकर ले नहीं पाई। अजय देवगन हिमसेल्फ इज एन एग्जीबिटर, ही हिमसेल्फ हैज चेन ऑफ सिनेमा, लेकिन डिस्पाइट दैट वो यहाँ पर थैंक गॉड को शोज नहीं दिला पाए। एंड गाइस, दिल्ली NCR में ऑक्यूपेंसी इज जस्ट 9%। बात करते हैं पुणे की, पुणे में 205 शोज फॉर थैंक गॉड एंड 264 शोज फॉर राम सेतु। एंड गाइस, थैंक गॉड की ऑक्यूपेंसी इज जस्ट 10%, दैट्स इट। बात करो बेंगलुरु की, बेंगलोर में थैंक गॉड 124 शोज एंड गाइस राम सेतु 155 शोज एंड गाइस बेंगलोर में ऑक्यूपेंसी इज ओनली 11%। बात करें गाइस यहाँ पर गेटी गैलेक्सी की, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो गैलेक्सी का एग्जैक्टली नजारा क्या है। अरे भाई, जब राम सेतु ही खाली जा रही है देन थैंक गॉड से क्या उम्मीदें रखे। 12, 3, 6, 9 सारा का सारा थैंक गॉड के शोज जो है वो यहाँ खाली जा रहे हैं। बात करूं हैदराबाद की, राम सेतु 74, थैंक गॉड 73, लेकिन ओनली 14%। कोलकाता इज मिजरेबल, राम सेतु 271 शोज एंड थैंक गॉड ओनली 196, 5% ऑक्यूपेंसी। तो गाइज शोज भी नहीं है थैंक गॉड के पास उतने कि वो उतने कलेक्शंस कर पाए जाकर। अहमदाबाद 425 शोज राम सेतु, थैंक गॉड ओनली 384, 12% ऑक्यूपेंसी। लुक एट चेन्नई 47 राम सेतु, 29 थैंक गॉड 40% गुड ऑक्यूपेंसी। सूरत में 195 राम सेतु, थैंक गॉड 179 एंड ओनली 10% ऑक्यूपेंसी। बात करें अब एडवांस बुकिंग की, 1.30 करोड़। ये एपिसोड जब बना रहा हूं
रात के 10:30 बज रहे हैं यहाँ पर, एंड 1.30 ऐसा लग रहा है 1.5 करोड़ का मैक्सिमम एडवांस बुकिंग होएगा, थैंक गॉड का। अब 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग वाली फिल्म क्या 10 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है? लेकिन तो अजूबा है भाई, बहुत बढ़िया, जनता जनार्दन उनका फैसला सर आंखों पर, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग ले सकती है नहीं ना। एंड 53,100 टिकट्स बिकी है, इसलिए माय प्रेडिक्शन फॉर थैंक गॉड रिमेन्स द सेम, 7 से लेके 8 करोड़। कल अगर मिरेकल हुआ तो 9 जाएगी या 10 जाएगी, यू नो जनता जनार्दन है। बात करूंगा राम सेतु की फाइनल एडवांस बुकिंग की, 2.15 करोड़, 10:30 बजे 85,100 टिकट सोल्ड, एंड उसका प्रेडिक्शन है मेरा 12 से 3। तो कल मिलेंगे भैया, हाँ, कि राम सेतु 12-13 जाती है या नहीं जाती, एंड थैंक गॉड 7 से 8 करोड़ जाती है नहीं जाती। मतलब चाहता हूँ दोनों फिल्म अच्छा बिजनेस करे, लेकिन जनता जनार्दन है, फैसला उनके हाथ में है। मे द बेस्ट फिल्म विन। इसी के साथ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, आशा करते हैं ये दिवाली आप सभी लोगों के लिए खुशियां लेकर आए, क्योंकि स्प्रेड हैप्पीनेस। वैसे ही दुनिया में बहुत सारे दुख और गम है, जितनी खुशियां बांटेंगे उतनी खुशियां मिलेगी, ओके गाइस। लेकिन 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 कल सिनेमा घर जाना है भाई, ये इंतजार नहीं करना है। और OTTians कल सिनेमा जाइए, OTT का इंतजार मत कीजिए। तो कल सब लोग, चाहे अक्षय कुमार के फैन हो, अजय देवगन के फैन हो, आप जाएंगे कहाँ? Only cinema halls. I want to see Diwali jam-packed with the audiences. On this note, stay cool, man. Good night. Sleep well. See you at the movies tomorrow.